हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज हम इस समय टीकमगढ़ जिले के ब्लॉक जतारा के गांव तालेधोरा में मौजूद हैं। यहां के जो किसान हैं बालचंद अहरवार, जो कि अनार की खेती किए हैं, उनका कहना है कि हम 3 साल हो गए हैं अनार की खेती किए हैं और 120 पौधा लगाए हुए हैं आधे एकड़ में। तो चलिए किसान से ही जानते हैं कि किस तरह की खेती करते हैं। अनार खेती ऐसे खेती के जैसे जब फसल मसल होती पानी में है तो इस वजह से लगा रही थी। 2-3 दे छटाई करी, गुड़ाई करी, इनकी खाद घर गोबर भरो सब करो, इनको फिर पैसा से फरियाते थोड़े से जब पानी नहीं आ सूखा से पड़ नहीं पड़ गई थी जा सुखे उनमें फूल नहीं आते। दूसरा दिया लगे हैं थोड़े थोड़े अनार, आधा एकड़ में प्लॉट लगाए हैं अनार का, लगभग 118 पौधे लगे हैं हमारे। उद्देश्य ये था कि लगभग अपन खेती परंपरागत पहले से खेती करी आए, गेहूँ लेते हैं रबी सीजन में, गेहूँ मटर चना ये लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि मान लिया जैसे प्राकृतिक खेती खेती तो कर रहे हैं अपन, प्राकृतिक प्रकोप भी हो गया है तो कहो मान लिया कोई फसल होती है कोई नहीं होती है, एक गेहूँ लगा दिया है तो वो चौपट हो जाती है। अनार हमें लगभग 3 साल का पौधा हो चुका है। इसकी शुरुआत से पीढ़ी ऐसी होती है कि जैसे हमारा खेत खाली हो गया अप्रैल के माह में, तो लगभग इसकी नपाई करके 12x12 पे लगा है तो लगभग 2x2 के गड्ढे खोद के डाल दिए पूरी गर्मी के लिए। तो इसको मर जाए जून के माह में हम लोगों ने इसमें 20 किलो गोबर खाद भीजा है, 2 किलो नीम की खली डाली है और इसमें कल्चर भी डाली है, टाई को डरमा है। तो खेत को जुताई होती है उस पहली बार तो हमने उसमें फसल बोई रखी थी तो उसमें लकड़ी के छोटे छोटे डंडे काट लिए थे कि वो जो पिटफीलिंग बनी है तो वहाँ पर दिखाई पड़े कि मान लिया हमारा पौधा यहाँ पर लगा है। जैसे 2-3 पानी गिर गए कि नमी हो गई धरती में ज़मीन के अंदर, तब हमने वो पौधा आए अगस्त में हमने इसको रोपण किया था। इसकी कटिंग छटाई के लिए हमने NRCP सृजन संस्था की तरफ से NRCP महाराष्ट्र में सोलापुर गए, वहाँ पे 3 प्रशिक्षण लिए, कटाई कैसी करनी है, छटाई करनी है, बाहर प्रबंधन है। सृजन संस्था जतारी की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला, पौधा भी हमने लिए है और जो उसमें दवाई वगैरह लगती हैं वो संस्था ने उपलब्ध कराए हैं। मार्केट वाले यहाँ से आते हैं तो बोले हमें अच्छा ना चाहिए, बिना केमिकल वाले चाहिए, तो हम 60-70 रुपये किलो यहाँ से ले जाती हैं। जब आ जाती है तो अपन कम से कम इस साल लगभग हम 20,000 रुपये तक की बेच लेंगे। एक तो पर्यावरण के लिए अच्छा है कि मरिया वृक्ष लगे हैं तो खेत भी हरा भरा रहेगा, तो मरिया पर्यावरण अपना शुद्ध रहेगा और मरिया अपन को उसके फल भी मिलेंगे। अगस्त 2018 में जी हमारे पौधा लगे थे और अभी माने अगस्त में ये 3 साल के हो जाएंगे। इस साल इसमें फल आना शुरू हो गया है तो लगभग 10 क्विंटल की लगभग फल इसमें निकलेगा इस बार। गेहूँ दूसरी फसल लगाए तो हर साल लगाओ हर साल काटो, उसमें लागत ज़्यादा है फ़ायदा कम है। तो हमारा जो दूसरी लोगों की देखी हमने पठारी चंदेरा में अनार की खेती, उसको देख के हमें भी लगा कि हमको करना चाहिए, इसमें एक बार कम मेहनत है और ऐसी चीज़ का खेती करें जो यहाँ पर होती नहीं है, जो बाहर होती है तो यहाँ लोकल में इसका रेट भी अच्छा मिल जाएगा और बाहर से लोग बाग लाते हैं और दूसरी बात घर के उपयोग के लाने भी हो जाए, जो अनार वैसे नहीं खा पाते तो वो घर के होंगे तो खा भी सकते हैं। अनार का ये है कि इसमें पानी बहुत कम चाहिए इसको, अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो इसमें इसकी बढ़वार होगी, इसमें फूल नहीं आएगा। तो इसका एक नियम रहता है कि हमें 10 अगर फल लेने की स्थिति में आ गए तो जैसी फल की साइज है उस हिसाब से 4 लीटर या 8 लीटर या 10 लीटर ऐसा पानी हिसाब से डालना पड़ता है। इसमें सिर्फ हमने जो पौधा जो 135 रुपया का पौधा था उसका आधा पैसा हमने दिया था और बाकी संस्था ने दिया था, बाकी मेहनत उसमें हम लोगों ने पूरी की। यहाँ पे तकरीबन 150 से ऊपर ऐसे विभिन्न गांव में किसान हैं जो अनार की खेती कर रहे हैं और 80 के आसपास ऐसे किसान हैं जो अमरूद की खेती यहाँ पे कर रहे हैं। तो संस्था का उद्देश्य यही है कि जो जमीन जिन किसानों के पास कम ज़मीनें हैं और जिस प्रकार से खेती में गेहूं और ये चना मटर वाली खेती में रिस्क बढ़ता जा रहा है तो लोगों को एक और दूसरी फसल में ले जा करके उनकी जो रिस्क है वो कम की जा सके और उनकी लोगों की आय बढ़ाई जा सके। यहाँ पे जो अनार की फसल है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ करके हम लोगों ने उनके साथ अनार की खेती प्रारंभ की, जिसमें हम लोगों ने शुरुआती के दौरान उनको जो पौधे होते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उनके लिए उपलब्ध कराए,
और उसके साथ साथ उनको प्रशिक्षण दिया कि किस प्रकार से हमें गड्ढे खोदना है, किस प्रकार से हमें पौधे रोपण करना है, उनकी किस प्रकार से प्रबंधन करना है, कब कब हमें उनको पानी देना है। तो पूर्ण रूप से उनके लिए तकनीकी जो सहायता है, उनको प्रशिक्षण देना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उनको समय समय पर उपलब्ध कराएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।